अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम सीसीएफ 3.1 चैप्टर 11 के पेज 6 में एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के हवाले से बहुत सारे इंस्पेक्शन पॉइंट हैं, उसमें वेल्डिंग इक्विपमेंट के हवाले से गैस टाइप और इसका फ्लो रेट और करंट पोलैरिटी और सेफ्टी के हवाले से, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे वेल्डिंग पैरामीटर हैं जो MMA वेल्डिंग प्रोसेस से टोटली डिफरेंट हैं, और टिप वेल्डिंग में आने वाले इम्परफेक्शन पर डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन पॉइंट, चेक वैन टिग वेल्डिंग। तो जब हम टिग वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो उसके जो इंपॉर्टेंट इंस्पेक्शन चेक पॉइंट है उनको देखने की जरूरत है। तो नंबर एक में दी वेल्डिंग इक्विपमेंट है, ए विजुअल चेक शुड बी मेड टू इंश्योर द वेल्डिंग इक्विपमेंट इज इन गुड कंडीशन, और इस चीज को चेक करना कि जो वेल्डिंग इक्विपमेंट है क्या वो अच्छी हालत में है, उनकी कंडीशन अच्छी है। और नंबर टू में दी टॉर्च हेड असेंबली, चेक द डायमीटर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द टंगस्टन, द रिक्वायर्ड वर्टिस एंगल हैज बीन करेक्टली ग्राउंड। तो टॉर्च हेड असेंबली में उसका जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का डायमीटर है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेक करना कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील पे काम कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करना, ये ना हो कि हम जो AC इलेक्ट्रोड टंगस्टन का वो यूज कर रहे हो जिसको हम सीरिएटेड जर्कोनिएटेड कहते हैं, जिसे हम जर्कोनिएटेड कहते हैं। तो जो जर्कोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो AC और अल्मोनियम की वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द रिक्वायर्ड वर्टिस एंगल हैज बीन करेक्टली ग्राउंड, और इसके अलावा जो उसका जो वर्टिस एंगल है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का जो वर्टिक्स एंगल है उसको चेक करना कि उसको प्रॉपरली शार्प किया हुआ है, एंड दैट ए गैस लेंस हैज बीन फिटेड, और इसके अलावा जो उसकी जो गैस लेंस है उसको फिट किया हुआ है। चेक द टंगस्टन प्रोड्यूस द करेक्ट लेंथ फ्रॉम द सिरामिक, और इस चीज को चेक करना कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो सिरामिक से उसकी जो लेंथ है वो बाहर कितनी निकली हुई है, अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे जो है प्लास्टिक के आने के चांसेस होते हैं। द सिरामिक इज द करेक्ट टाइप एंड द गुड कंडीशन, और इसके अलावा जो सिरामिक है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो ज्वाइंट के टाइप के मुताबिक होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई कंटामिनेटेड है तो उसको अच्छे से क्लीन करें या फिर उसको जो है वो जो नया रिप्लेस करें। तो नंबर थ्री में गैस टाइप एंड फ्लो रेट, और इसके अलावा गैस को चेक करना, आर मिक्सचर एंड फ्लो रेट इज करेक्ट फॉर द गिवन ज्वाइंट डिजाइन एंड पोजिशन ऑल गिवन ऑन द अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर, और गैस टाइप को चेक करना, उसके अलावा उसका जो मिक्सचर है, जैसे अगर हम मिग वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आर्गन है, हीलियम है, और अगर हम मैग वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें एक्टिव गैसेस इस्तेमाल होती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और इसके अलावा उसका जो मिक्सचर आर्गन में उसको जो ऐड करते हैं मुख्तलिफ तरह के जो मटीरियल हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए, और इसके अलावा इसका जो फ्लो रेट है इज करेक्ट फॉर द गिवन ज्वाइंट डिजाइन एंड पोजीशन ऑल गिवन ऑन द अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर, और इसके अलावा उसका जो फ्लो रेट है उसको चेक करना कि वो जो पोजीशन जिस पोजीशन पे हम कर रहे हैं उसके मुताबिक सही है, और इसके अलावा जो ज्वाइंट है ज्वाइंट की जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है उनके मुताबिक उसका जो फ्लो रेट है उसको जहाँ पे सेट करना, और गैस को चेक करना और गैस का जो मिक्सचर है और उसका जो फ्लो रेट है वो ज्वाइंट टाइप और जो पोजीशन के मुताबिक जिस पोजीशन पे हम कर रहे हैं उसके मुताबिक होना चाहिए, और ये जो अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर के मुताबिक होना चाहिए। चेक इफ ए ग्लास लेंस इज फिटेड, और इसके अलावा गैस लेंस है उसको चेक करना। तो इसके जो वेरिएबल पैरामीटर में हम बात करते हैं, और इसके अलावा इसका नंबर फोर में करंट एंड पोलैरिटी, चेक शुड बी मेड टू इंश्योर दैट द टाइप ऑफ द करंट एंड पोलैरिटी आर करेक्टली सेट, और इस चीज को श्योर करना कि जो करंट है और उसकी जो पोलैरिटी है वो करेक्ट है, एंड दैट द करंट रेंज इज विदन द गिवन ऑन द प्रोसीजर, और इस चीज को चेक करना कि जो करंट है और जो पोलैरिटी है वो हम सही यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो करंट की जो रेंज है वो अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर के मुताबिक है। दिस वैल्यूज विल बी कंट्रोल्ड बाय द मटेरियल टाइप, थिकनेस, डायमीटर्स एंड टाइप ऑफ द टंगस्टन बीइंग यूज्ड, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेनलेस स्टील का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो करंट की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, और अगर हम कार्बन स्टील या कुछ अलॉय मेटल है तो उसमें जो करंट की वैल्यू डिफरेंट है, और इसके अलावा अगर थिकनेस चेंज है
तो उसी के मुताबिक जो है वो करंट की वैल्यू को सेट किया जाएगा। और इसी तरह से डायमीटर है एंड टाइप ऑफ द टंगस्टन बीइंग यूज्ड। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ये है कि करंट की जो पोलैरिटी है, और हम बात करते हैं सबसे पहले करंट की, तो जो करंट किस चीज़ पे जो है वो रिलाई करता है, मटेरियल टाइप, थिकनेस, डायमीटर, या फिर उसकी जो मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, या फिर टंगस्टन बीइंग यूज, या फिर हम कौन सा टंगस्टन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेकिन टिग वेल्डिंग प्रोसेस में जो ज़्यादातर रिलाई करता है, जो करंट ज़्यादातर रिलाई करता है, वो हम जो देखते हैं कि टंगस्टन का डायमीटर कौन सा है। और ये जो सारी के सारे जो एलिमेंट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो है, वो इस पे रिलाई करता है कि हमने करंट कौन सा जो है वो एडजस्ट करना है। और उसके अलावा नंबर 5 में अदर वेरिएबल वेल्डिंग पैरामीटर्स हैं, उसमें चेक शुड बी मेड फॉर द करेक्ट एंगल ऑफ द टार्च, और टार्च का जो एंगल है उसको चेक करना कि वो करेक्ट है, आर्क गैप डिस्टेंस, और और उसके बाद आर्क गैप का जो डिस्टेंस है उसे चेक करना, स्पीड ऑफ ट्रेवल, और एंड ऑल अदर असेंशियल वेरिएबल ऑफ द प्रोसेस गिवन ऑन द अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर। तो अदर वेरिएबल वेल्डिंग पैरामीटर्स में जो टार्च का एंगल है उसे चेक करना, और उसका जो आर्क का जो गैप डिस्टेंस है, और उसके अलावा ट्रेवल स्पीड है जो वेल्डिंग की, और इसके अलावा जितने भी दूसरे एसेंशियल वेल्डिंग वेरिएबल हैं उनको चेक करना कि वो अप्रूव्ड वेल्डिंग प्रोसीजर के मुताबिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसेंशियल वेरिएबल की। एसेंशियल वेरिएबल वो हैं कि अगर हम इनको कहीं भी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेवल स्पीड चेंज करते हैं, मटेरियल टाइप चेंज करते हैं, टंगस्टन टाइप चेंज करते हैं, या मटेरियल की स्पेसिफिकेशन, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे न्यू PQR जो है वो लगेगा। इन मैकेनाइज वेल्डिंग चेक विल नीड टू बी मेड ऑन द स्पीड ऑफ द कैरेज मैकेनिज्म एंड स्पीड ऑफ द फिलो वायर, यहाँ तक इसको देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम मैकेनाइज वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, और उसमें जो उसके जो फ्लक्स हॉपर है अगर उसको कैरेज करते हैं, या उसके अलावा उसका दूसरा कोई इक्विपमेंट अगर कैरेज करते हैं, तो उसको चेक करना, और जो फिलर वायर की स्पीड है उसको चेक करना। एडिशनली व्हेन वेल्डिंग रिएक्टर मटेरियल्स चेक विल नीड टू बी मेड ऑन द पर्जिंग और बैकिंग गैस टाइप एंड प्रेशर। और इसके अलावा अगर हम कोई भी रिएक्टर मटेरियल है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम है, उसको अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग के दौरान, और इसके अलावा अगर हम कोई भी रिएक्टर मेटल जो है वो, जैसे स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम को वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान उसकी जो पर्जिंग है, और उसका जो बैकिंग गैस है, और उसका जो प्रेशर है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। सेफ्टी चेक्स, चेक शुड बी मेड ऑन द करंट कैरिंग कैपेसिटी या ड्यूटी साइकिल ऑफ द इक्विपमेंट एंड दैट ऑल इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इज साउंड। और एक चीज़ को चेक करना कि जो इक्विपमेंट हैं, जैसे कि केबल्स है, क्या वो करंट उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, क्या फुली उठा रहे हैं, जिसको हम ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं। और उसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल की केबल्स हैं उनकी इंसुलेशन को चेक करना, क्या वो साउंड है। जो करेक्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम शुड बी इन यूज टू अवॉइड एक्सपोजर टू ओजोन एंड अदर टॉक्सिक फ्यूम। और इसके अलावा अगर वेल्डिंग का कोई ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कोई बिग वर्कशॉप है या अगर स्मॉल एरिया, तो वहां से जो फ्यूम को निकालने के लिए उसका जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। शुड बी इन यूज टू अवॉइड एक्सपोजर टू ओजोन एंड अदर टॉक्सिक फ्यूम, क्योंकि जितने भी वो फ्यूम होते हैं, जो बेस मेटल इलेक्ट्रोड्स और बहुत सारे फ्लक्सेस के एलिमेंट होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो वहां से जो है फ्यूम जो है वो डिस्चार्ज होती है, और वो फ्यूम गैसेस की जो फ्यूम बनती है वो इतनी डेंजर होती हैं कि सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली होती हैं। और इसके अलावा बाद गैसेस और बाद मटेरियल तो इतने डेंजर होते हैं कि वहां पे जान जाने का भी खतरा होता है। तो यहाँ से अभी हम इसको चेक करते हैं। ए चेक शुड ऑलवेज बी मेड टू इंश्योर दैट द वेल्डर इज क्वालिफाइड टू वेल्ड द प्रोसीजर बीइंग अप्लाइड। और इस चीज़ को चेक करना कि जो वेल्डर जिस मटेरियल को काम कर रहा है, क्या उस पे वो क्वालिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेनलेस स्टील का क्वालिफाइड वेल्डर, या फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन स्टील का एक क्वालिफाइड वेल्डर, तो वो क्या स्टेनलेस स्टील पे काम कर रहा है, तो इसको चेक करना। और उसके अलावा अगर टिग वेल्डिंग प्रोसेस का, और इसके अलावा टिग वेल्डिंग प्रोसेस का जो क्वालिफाइड वेल्डर है, क्या वो MMA वेल्डिंग प्रोसेस पे काम तो नहीं कर रहा। और इसी तरीके से अगर स्मॉल डायमीटर का जो वेल्डर है,
क्या वो लार्ज डायमीटर पे काम तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को चेक करना। उसके बाद टिपिकली वेल्डिंग इम्परफेक्शन है, तो टिग वेल्डिंग प्रोसेस में आमतौर पर जो इम्परफेक्शन आती हैं हम उस पर बात करते हैं। टंगस्टन इंक्लूजन काज बाई द लैक ऑफ वेल्डर स्किल, और टंगस्टन इंक्लूजन जो है वो वेल्डर की स्किल की कमी की वजह से आती है। टू हाई करंट सेटिंग एंड आर इनकरेक्ट वर्टिक्स एंगल, टू हाई करंट सेटिंग एंड आर इनकरेक्ट वर्टिक्स एंगल। और इसके अलावा अगर करंट बहुत ज़्यादा हाई है या फिर उसका जो वर्टिक्स एंगल है, अगर हमने इलेक्ट्रोड को अच्छे तरीके से शार्प नहीं किया, तो इस वजह से टंगस्टन इंक्लूजन हो सकती है। तो नंबर टू में सरफेस पोरोसिटी है काज बाय ए लॉस ऑफ गैसियल पर्टिकुलरली व्हेन साइट वेल्डिंग आर इनकरेक्ट गैस फ्लो रेट फॉर द ज्वाइंट डिजाइन एंड आर वेल्डिंग पोजिशन, यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो सरफेस पोरोसिटी है इसकी जो वजह यह है कि अगर कहीं से जो गैस है वो जो है वो लीक कर रही है, जैसे कि टार्च है या रेगुलेटर है या फिर हाउस पाइप है, अगर कहीं से भी जो शील्डिंग गैस है अगर वो लॉस हो रही है, कहीं से लीक हो रही है, तो उस वजह से भी जो सरफेस पे पोरोसिटी आती है। और इसके अलावा खासकर जब हम साइड पे वेल्डिंग कर रहे हो, क्योंकि साइड पे जो विंड्स है उसको रोकना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और अगर कोई भी बाहर से जो गैसेस हैं अगर वो वेल्डिंग के आर कॉलम में इंग्रेस होती हैं, तो उस वजह से जो है पोरोसिटी आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा इनकरेक्ट गैस फ्लो रेट फॉर द ज्वाइंट डिजाइन एंड आर वेल्डिंग पोजिशन, और इसके अलावा अगर जो गैस फ्लो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से भी जो है वो सरफेस पे पोरोसिटी आ सकती है। और इसके अलावा ज्वाइंट डिजाइन एंड वेल्डिंग पोजिशन, और वेल्डिंग पोजीशन और ज्वाइंट डिजाइन के लिहाज से हमारा जो गैस फ्लो रेट है अगर वो करेक्ट नहीं है, तो उस वजह से जो है वो पोरोसिटी आ सकती है। तो नंबर थ्री में क्रैटर पाइप है कॉज बाय पुअर फिनिश टेक्निक आर इनकरेक्ट यूज ऑफ द करंट डिके। तो क्रैटर पाइप उस वक्त बनते हैं जब हम वेल्डिंग करते हुए जब टॉर्च को सडनली उठाते हैं, तो वहां पे एक होल सा बन जाता है जिसे हम क्रैटर पाइप कहते हैं। और काज बाय द पुअर फिनिश टेक्निक आर इनकरेक्ट यूज ऑफ द करंट डिके। और क्रैटर पाइप उस वक्त बनता है और क्रैटर पाइप उस वक्त बनता है जब हमारी जो पुअर फिनिश टेक्निक है वेल्ड के एंड में, जो पुअर फिनिश टेक्निक है अगर वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा नंबर फोर में वेल्ड रूट ऑक्सीडेशन है इफ यूजिंग इनसुफिशेंट गैस कट ऑफ डिले आर पर्जिंग प्रेशर व्हेन वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील आर टिटेनियम अलॉयज, यहां तक। और इसके अलावा जब हम वेल्ड के एंड में जब आर को ऑफ कर देते हैं और जो पोस्ट गैस है अगर वो प्रॉपर उसको नहीं जो बेस मेटल को दी गई, उस वक्त जो है वो मटेरियल पे ऑक्सीडेशन, वेल्ड मेटल पे ऑक्सीडेशन होती है। और इसके अलावा जब हम वेल्ड के एंड पे जब आर को ऑफ कर देते हैं और जो पोस्ट गैस है उसको अगर प्रॉपर तरीके से वेल्ड मेटल को नहीं मिलती, जो वेल्ड सोल्डिफाइंग हो रहा होता है उसको नहीं मिलती, तो उस वक्त वेल्ड में ऑक्सीडेशन हो जाती है। आर पर्जिंग प्रेशर व्हेन वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील आर टिटेनियम अलॉय, और जब हम स्टेनलेस स्टील या टिटेनियम अलॉय पे काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसका जो पर्जिंग गैस और जो फ्लो रेट है उसको चेक करना। तो यहाँ पे 11.6 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।